फिफ्थ, इसका जो इंग्लिश है उसके हम चैप्टर थर्ड में आ गए, और चैप्टर थर्ड का नाम है द रैट्स एंड द एलिफेंट्स, यानी चूहे और एलिफेंट यानी हाथी। आप जानते हो रैट्स एंड द एलिफेंट, इसकी एक स्टोरी है। हम इस स्टोरी में से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज, क्या हम सब सेम यानी एक ही साइज के हैं क्या? साइज यानी आकार। आपका जो क्लास में इतने सारे बच्चे हैं और आपके घर में इतने सारे लोग हैं, क्या आप सब सेम साइज के हो क्या? एक ही आकार के हो क्या? साइज यानी आकार। तो आंसर क्या आएगा? नो, हम एक आकार के नहीं है। वी ऑल आर नॉट ऑफ द सेम साइज, हम लोग सब एक ही आकार के या एक ही साइज के नहीं है। कैन ए स्मॉलर एनिमल हेल्प ए बिगर एनिमल, क्या एक छोटा जानवर बिगर यानी बड़े जानवर की मदद कर सकता है? हेल्प यानी आप जानते हो मदद, क्या एक छोटा जानवर बड़े जानवर की मदद कर सकता है? तो आंसर आएगा यस, कर सकता है। यस ए स्मॉलर एनिमल कैन हेल्प ए बिगर एनिमल, की छोटा एनिमल भी क्या है बड़े एनिमल्स की मदद कर सकता है। यू आर ऑफ्टन आस्क्ड टू हेल्प यूर यंगर सिस्टर एंड ब्रदर, डू यू हेल्प देम, आपको कई बार आपके घर वाले बोलते होंगे कि आपके छोटे यंगर यानी छोटे या तो सिस्टर यानी बहन या भाई कि आप क्या किया करो, मदद किया करो। तो क्या आप उनकी मदद करते हो? डू यू हेल्प देम, क्या आप उनकी मदद करते हो आपके छोटे भाई बहन की? तो आंसर आएगा यस, हाँ हम करते हो। आई ऑफ्टन हेल्प माई यंगर सिस्टर एंड ब्रदर, में मोस्टली या ज्यादातर अपने छोटे भाई बहन की मदद करता हूं। हाउ डू यू यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प यू, क्या आपके छोटे भाई बहन आपकी मदद करते हैं क्या? तो माय यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प मी इन माय डेली रूटीन वर्क, हमारे डेली के जो काम होते हैं, डेली की जो दिनचर्या होती है या डेली हम जो जो काम करते हैं तो उसमें हमारे छोटे भाई बहन भी हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। यानी इसमें छोटा बड़ा नहीं होता, मदद कोई भी किसी की कर सकता है, जिसको जैसा आता है वो उसकी मदद करता है। तो हम स्टोरी को शुरू करेंगे। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय पहले, एगो का मतलब पहले, एगो का मतलब क्या होता है पहले, बहुत समय पहले की बात है, या लॉन्ग लॉन्ग एगो का मतलब बहुत पहले। ए ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट, ग्रुप का मतलब एक बहुत सारे रैट का झुंड या समूह, बहुत लिव यानी रहते थे, हैप्पीली का मतलब खुशी से, कहां पे रहते थे फॉरेस्ट यानी जंगल में। ये देखो फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल, आप जानते हो ना फॉरेस्ट यानी क्या होता है, जंगल में रहते थे। वन डे ए हर्ड ऑफ एलिफेंट पास थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर, और वन डे यानी एक दिन की बात है। हर्ड का मतलब भी होता है झुंड, एलिफेंट के झुंड को या एक ही तरह के एनिमल्स के झुंड को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, एच ई आर डी। हर्ड का मतलब क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ एनिमल, एक ही तरह एनिमल के ग्रुप यानी झुंड या समूह, इसको क्या बोलते हैं समूह या झुंड को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। तो एलिफेंट का एक जो झुंड था वो वहां से जा रहा था, उसी एरिया से, किस एरिया से, जहां पे ये रैट्स चूहे रहते थे, इन सर्च ऑफ वाटर, किसके खोज में। सर्च का मतलब फाइंड, फाइंड का मतलब पाना यानी खोज करना, किसकी खोज कर रहे थे वो, पानी की क्या कर रहे थे, खोज कर रहे थे। मेनी होम्स ऑफ रैट वेयर डिस्ट्रॉय अंडर देयर बिग फीट, और जब वो वहां से जा रहे थे तो बहुत सारे घर थे, किसके घर थे, रैट के, चूहे के, जो क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए। डिस्ट्रॉयड का मतलब स्पॉइल्ड या डैमेज, डैमेज का मतलब खत्म होना या टूटना, ठीक है, टूट गए या खत्म हो गए। किसके पाव के कारण, वो बड़े बड़े एलिफेंट्स के जो बड़े बड़े पाव थे ना, उस पाव के कारण चूहों के क्या हो गए, घर क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। सम रैट्स वेर ऑल्सो किल्ड, और कुछ चूहे तो क्या हो गए, किल्ड, किल्ड का मतलब मर भी गए, बहुत सारे मर भी गए और बहुत सारे उनके पाव में आने से उनके घर भी क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये था हमारा पहला पैसेज यानी पहला। तो आपको पता ही पैसेज के कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए होते हैं, तो आप ये कर ही सकते हो। दिस पैसेज इज अबाउट, ये पैसेज किसके बारे में, जू के बारे में, चिड़ियाघर के बारे में, पिक्चर के बारे में, ये घर के बारे में, किसके बारे में, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी एक जंगल की कहानी है।
किसकी कहानी है? जंगल की। तो वेयर डिड द ग्रुप ऑफ रैट लिव, रैट कहां पे रहते थे वो? तो ये रहा आंसर, देखो द ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। वो कहां पे रहते थे? द ग्रुप ऑफ रैट, पास्ट टेंस में आ जाएगा, लिव्ड, LIVED, लिव्ड इन ए, और कहां पे रहते थे? फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट का मतलब जंगल में रहते थे। हु पास थ्रू दैट एरिया, उस एरिया से कौन गया? तो एलिफेंट का एक झुंड। कौन गया? ए हर्ड। नीचे आंसर दे रखा है हर्ड ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट का हर्ड यानी उनका एक झुंड वहां से क्या हुआ फिर क्वेश्चन में, पास थ्रू दैट एरिया। व्हाई डिड दे पास फ्रॉम देयर, क्यों वो उधर से होके निकले? एलिफेंट वहां से क्यों होके निकले? क्योंकि हमें पता है वो पानी की क्या कर रहे थे, खोज कर रहे थे। दे पास फ्रॉम देयर, यहां से क्वेश्चन में, इन सर्च, सर्च का मतलब ढूंढना या खोज करना, सर्च ऑफ वाटर यानी वो पानी की खोज कर रहे थे। हाउ वर सम रैट किल्ड, ये सारे चूहे कैसे मरे? आपको पता है चूहे किस लिए मरे? एलिफेंट के वो बड़े बड़े पाव के कारण। तो सम रैट्स, फिर ये वर पहले आ जाएगा ना, सम रैट्स वर किल्ड अंडर द एलिफेंट्स फीट, यहां से आप लिख लेना एलिफेंट के फीट के कारण। किसके कारण? एलिफेंट के फीट यानी पाव के कारण। हाउ डिड द रैट लिव, वहां पर रैट कैसे रहते थे? लिव्ड हैप्पीली यानी खुशी से रहते थे। क्या किस किस से रहते थे? खुशी से। खुशी का मतलब बहुत खुशी से मना के। व्हाट वेयर द एलिफेंट सर्चिंग फॉर, एलिफेंट क्या ढूंढ रहे थे? वाटर। तो क्वेश्चन से द एलिफेंट लिखेंगे, फिर याद आएगा वर सर्चिंग फॉर वाटर, किसकी खोज कर रहे थे एलिफेंट? वाटर यानी पानी की खोज कर रहे थे। तो ये था हमारा फर्स्ट पैसेज। तो पैसेज को पढ़ के आप उस पैसेज में से इन आंसर्स को क्या कर सकते हो? ढूंढ के खुद लिख सकते हो। तो अब हम आते हैं सेकंड पैसेज में। तो सेकंड पैसेज स्टार्ट करते हैं हम। द किंग ऑफ रैट यानी चूहों का राजा, किंग ऑफ रैट का मतलब चूहों का राजा, मूषक राज वेंट यानी चूहों का राजा जिसका क्या नाम था? मूषक राज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट, वो किसके पास गया? एलिफेंट के राजा, यानी एलिफेंट का जो राजा है उसका नाम था गजराज। मूषक राज तो था चूहों का राजा, वो वेंट यानी जाना, क्योंकि गो का पास्ट टेंस है वेंट, है ना। वेंट कहां गया? वो किसके राजा के पास गया? एलिफेंट के राजा गजराज। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उससे क्या किया? रिक्वेस्टेड की, रिक्वेस्ट की। हम भी कई बार करते हैं ना, किसी से रिक्वेस्ट करते कि आप मेरा ये कर दो, है ना, या आप अलग रास्ते से चले जाओ, है ना। तो इन्होंने भी वैसे क्या किया, वहां गए ये गजराज के पास गए, और गजराज से क्या किया उन्होंने? रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया। रिक्वेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? निवेदन किया या अनुरोध किया, ये क्या बोलते हैं? अनुरोध किया। तो आपको हिंदी में तो याद करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आपको समझने के लिए, उसने रिक्वेस्ट किया हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पोंड, यानी पोंड का मतलब तालाब। उसने गजराज को रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि आपका ये जो झुंड है ना, आप इस रास्ते से होकर तालाब में मत जाओ, क्योंकि आप इस रास्ते से होकर तालाब में जाओगे तो हमारे बहुत सारे चूहों के घर भी डिस्ट्रॉय हो गए और चूहे मर भी गए। तो आप अनदर रूट, रूट का मतलब देखो रास्ता, वे। आप भी कहीं कोटा जाते हो तो कोटा जाने के बहुत सारे रास्ते, बूंदी होके भी जा सकते हैं, डाबी होके भी जा सकते हैं। तो चूहों ने रिक्वेस्ट किया कि आप इस रास्ते से मत जाओ, इस रास्ते से जाओगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, और उसने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। पोंड का मतलब तो वाटर बॉडी यानी वही तालाब, और एक्सेप्ट का मतलब मान लिया, एग्री, एग्री करना, एग्री करना का मतलब मान लिया। किसने उसकी बात को मान लिया? उस गजराज ने यानी हाथी के राजा ने मान लिया। एंड टोल्ड द एलिफेंट, और उसने सब एलिफेंट को बोला, क्या बोला? टू टेक द अदर वे विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट, आप क्या करो अलग रास्ते से जाओ और कोई भी रैट को क्या मत करो, डिस्टर्ब मत करो या हार्म मत करो। हार्म का मतलब नुकसान मत पहुंचाओ, हार्म का मतलब नुकसान मत पहुंचाओ, इसलिए आप अलग रास्ते से जाओ। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया पहले, और फिर सारे एलिफेंट को क्या बोला, अदर वे यानी दूसरा रास्ता से आप पोंड में जाओ। मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी, और मूषक राज क्या हो गया, बहुत खुश हो गया
एंड प्लीज्ड विद गजराज, और गजराज से क्या हुआ, प्लीज्ड का मतलब सेटिस्फाइड हो गया, प्लीज्ड का मतलब संतुष्ट, क्या हो गया, संतुष्ट हो गया, वो बहुत संतुष्ट हो गया, बहुत खुश हो गया कि गजराज ने उसकी बात मान ली, ही थैंक्ड हिम, और उसने उसको क्या बोला, थैंक बोला, यानी थैंक यू बोला, है ना। एंड प्रोमिस दैट द रैट वुड ऑलवेज बी रेडी, और उससे वादा किया, प्रोमिस का मतलब गिव वर्ड का मतलब, प्रोमिस का मतलब उससे क्या किया, उसने वादा किया कि रैट हमेशा तैयार रहेंगे टू हेल्प द एलिफेंट इफ नीडेड, ऑलवेज का मतलब हमेशा, रेडी का मतलब तैयार, टू हेल्प का मतलब मदद करना, इफ नीडेड का मतलब जब भी जरूरी हो, इफ नीडेड का मतलब जब भी जरूरी हो। रैट ने एलिफेंट से प्रॉमिस किया कि आप कभी भी जरूरत पड़ेगी आप हमको बुला लेना और हम आपकी हमेशा क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो ये था हमारा सेकेंड पैसेज, और आपको पता ही हर पैसेज के बाद क्वेश्चन होते हैं, तो मैं इसमें से समझा देता हूँ गजराज कौन था। तो आपको पता ही द किंग ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट्स का राजा, कौन था गजराज, एलिफेंट का राजा। What did the king of elephant do after accepting the request? Elephant के जो राजा है उसने चूहों की बात को मान लिया था, उसके बाद उसने क्या किया, तो उसने क्या किया, he told the elephant, उसने elephants को बोला to take the other way, कि आप दूसरा रास्ता लो, अब तालाब में जाने का ये रास्ता नहीं लेना, आपको कौन सा रास्ता लेना है, दूसरा रास्ता लेना है। तो उसने बोला सारे elephant को other way लो। What did the king ऑफ रैट प्रोमिस, किंग ऑफ रैट ने क्या प्रोमिस किया, जो चूहों का राजा था ना उसने गजराज से क्या वादा किया, तो ही प्रोमिस, उसने क्या वादा किया, दैट रैट वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट इफ नीडेड, रैट हमेशा तैयार रहेगा जब भी एलिफेंट को मदद चाहिए। फिर हु थैंक्ड टू होम, किसने किसको थैंक किया, तो आपको पता ही चूहे के राजा ने गजराज को थैंक किया क्योंकि उसने उसकी बात मान ली थी। तो मूषक राजा, चूहे का राजा कौन है, मूषक राजा, थैंक्ड गजराज, और उसने किसको थैंक किया, गजराज को थैंक किया। हु वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट, किंग ऑफ एलिफेंट के पास कौन गया था, कौन गया था, मूषक राजा गया था, चूहे का राजा गया था ना, तो मूषक राजा वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट, तो मूषक राजा कहां पे गया था, एलिफेंट के राजा के पास गया था। व्हाट वाज द रिक्वेस्ट मेड टू गजराज, उसने गजराज से क्या रिक्वेस्ट की, तो द रिक्वेस्ट मेड टू गजराज, उसने क्या रिक्वेस्ट की, वाज टू टेक हिज हर्ड फ्रॉम अनदर रूट, आपका जो झुंड है उनको अलग रास्ते से ले जाओगे, कि इस रास्ते से ले जाओगे तो हमारे घर और बहुत सारे चूहे मर भी जाएंगे। हु वाज प्लीज्ड विद गजराज, गजराज की बात सुनकर कौन खुश हो गया, तो कौन खुश हुआ, मूषक राज खुश हुआ, क्योंकि गजराज ने उसकी सारी बातों को क्या कर लिया था, मान लिया था। तो ये आंसर्स आपको कहां मिल जाएंगे, उस पैसेज के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड पैसेज, हियरिंग दिस द एलिफेंट इन द हर्ड laughed, thinking how small rat could help big elephant. तो जब चूहे ने ये बोला ना कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, चूहे ने बोला कि हम आपकी कभी भी मदद हो तो हम करेंगे, तो ये बात जब हाथी ने सुनी, एलिफेंट ने, कौन से एलिफेंट ने, जो झुंड में बहुत सारे हाथी थे, गजराज को बोला उसने, तो बहुत सारे हाथी भी आसपास होंगे, उन्होंने जब ये बात सुनी तो वो क्या होने लग गए, laughed यानी हंसने लग गए और सोचने लग गए कि एक छोटे चूहे इतने बड़े एलिफेंट की मदद कैसे कर सकते हैं, ये छोटे चूहे इतने बड़े एलिफेंट की मदद कैसे करेंगे। लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ, कुछ महीनों के बाद, फ्यू मंथ का मतलब कुछ महीनों के बाद, ऑन फाइन डे व्हेन द रैट वेयर प्लेइंग, एक ऐसा अच्छा दिन था जब चूहे क्या कर रहे थे, प्ले यानी खेल रहे थे, दे हर्ड लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट, तो उनको बहुत लाउड का मतलब बहुत तेज आवाज, शाउट का मतलब क्राई यानी चिल्लाना, लाउड का मतलब हाई साउंड, बहुत तेज आवाज, और शाउट का मतलब रोते हुए चिल्ला रहे, एलिफेंट कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ पॉन्ड, और कहां से आवाज आ रही है, जहां पे जो तालाब था ना उस दिशा में, उस दिशा से आवाज आ रही है, एलिफेंट्स के चिल्लाने की आवाज आ रही है। मूषक राज रियलाइज दैट एलिफेंट वेयर इन सम डेंजर, तब जो चूहों का राजा था उसको रियलाइज हुआ, रियलाइज का मतलब समझ में आया, समझना, उसको समझ में आया कि एलिफेंट वेयर इन सम डेंजर, ये एलिफेंट क्या है, कुछ खतरे में पड़ गए हैं, एलिफेंट की रोने की आवाज आ रही है, चिल्लाने की आवाज आ रही है, इसका मतलब एलिफेंट कुछ खतरे में है। ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट, तब उसने बोला कि हमारे जो चूहे के जो चूहों का जो झुंड है उसमें से जो स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत रैट है, रैट का मतलब चूहे हैं,
कम अलोंग विथ, मेरे साथ चलो, कम अलोंग का मतलब हमारे साथ चलो, एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, और कौन से डायरेक्शन में चलो, जहां से आवाज आ रही है उस डायरेक्शन में, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, कौन से दिशा में चलो, जहां से आवाज आ रही है वहां पे हमको चलना है। फिर देखो इस पैसेज के बाद वापिस आंसर, क्वेश्चन आंसर, द एलिफेंट वेयर, एलिफेंट किसमें आ गया था, डेंजर में आ गया था, खतरे में, डेंजर का मतलब खतरा, ठीक है, सिंपल। हाउ वॉज द डे वेन द रैट वर प्लेइंग, कैसा दिन था जब रैट खेल रहे थे, इट वॉज ए फाइन डे, बहुत अच्छा दिन था। वॉट डिड दे हियर, उनको क्या आवाज सुनाई दी, हियर का मतलब क्या आवाज सुनाई दी, दे हर्ड लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट, उन्होंने जोर से रोने की और चिल्लाने की आवाज सुनी, किसकी आवाज सुनी, हाथी की, एलिफेंट की। फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड दे हियर, कौन से डायरेक्शन से आवाज आ रही थी, दे हर्ड इट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ पॉन्ड, कौन से तालाब जहां था उस दिशा से क्या हो रही थी, आवाज आ रही थी। Who realized about some danger? किसको लगा कि ये कुछ खतरे में एलिफेंट, तो कौन है, मूषक राज को, किसको लगा, मूषक राज को लगा कि एलिफेंट्स क्या है, डेंजर में है। Whom did मूषक राज ask to come along? मूषक राज ने किसको अपने साथ आने के लिए बोला, He asked some strong rat, उसने बोला जो बहुत ही ताकतवर जो चूहे हैं जो मेरे साथ चलो। In which direction did the rat go? Rat कौन सी दिशा में गए, They went in the direction of sound, जिस दिशा से आवाज आ रही थी उस दिशा की तरफ कौन गए, चूहे गए, तो चूहे कौन सी दिशा में गए, जिस दिशा से क्या हो रही थी, आवाज आ रही थी। लास्ट और फोर्थ वाला हमारा जो पैसेज है, नियर द पॉन्ड दे सॉ द एलिफेंट कॉट इन द ट्रैप, और जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचे उन्होंने क्या देखा कि ये जो हाथी हैं ये कॉट यानी फंस गए हैं, कॉट इन ट्रैप का मतलब जाल में फंस गए, कैप्चर विद इन नेट का मतलब जाल में फंस गए हैं, केप्ट बाय सम हंटर, और वो जाल किसने रख रखा था, हंटर ने, हंटर का मतलब शिकारी, हंटर होता है शिकारी, यानी जो जानवरों को पकड़ते हैं ना, शिकारी, एनिमल किलर, यानी एनिमल किलर जो एनिमल्स का ध्यान रखते हैं, जाल बिछाते और उनको पकड़ते, तो एलिफेंट किसमें फंस गए, जाल में फंस गए। द रैट क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप, और रैट ने क्विकली का मतलब जल्दी से, बिगेन विदाउट डिले का मतलब बहुत जल्दी से, बाइट यानी काटने लग गए, किसको काटने लगे, रोप यानी रस्सी को, विथ देयर किससे, शार्प यानी तीखे दांतों से, तो रैट ने जैसे ही देखा कि एलिफेंट जाल में फंस गए वो फटाफट गए और वो जाल को काटने लग गए अपने दांतों से। सून द एलिफेंट वर सेट फ्री, और जैसे ही जाल को काटा एलिफेंट क्या हो गए, फ्री हो गए, फ्री का मतलब आजाद हो गए और वो जाल से बच गए। दे थैंक्ड द रैट, और उन्होंने किसको थैंक यू बोला, रैट को थैंक यू बोला, एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी, और जो एलिफेंट ने हंसा था ना इनके ऊपर कि ये छोटे हमारी क्या मदद करेंगे, उन एलिफेंट को बहुत सॉरी फील हुआ कि हमने इनके छोटे जो साइज है उसका क्या उड़ाया था, मजाक उड़ाया था, पर इन्होंने आज हमारी इतने बड़े एनिमल्स की भी क्या की, मदद की। तो ये हमारी स्टोरी थी कि हमें किसी भी को जानवर हो ये कोई भी इंसान हो उसको छोटा नहीं समझना, और हमें सबकी क्या करनी, मदद करनी है, कोई भी हमारे पास है हमें सबकी मदद करनी है। किसको सॉरी फील हुआ, एलिफेंट को, किसको सॉरी फील हुआ, एलिफेंट को। वेयर वेयर द एलिफेंट, एलिफेंट कहाँ थे, तो एलिफेंट कहाँ थे उस समय जाल के समय, नियर द पॉन्ड यानी पॉन्ड के किनारे। व्हाट हैपेंड टू द एलिफेंट, एलिफेंट को क्या हुआ था, एलिफेंट वेयर कॉट इन द ट्रैप, एलिफेंट जाल में क्या हुआ था, फंसे हुए थे। Who helped the elephant? Elephant की किसने मदद की? The rat helped the elephant. Elephant की किसने मदद की? चूहों ने मदद की। How did elephant help the elephant? How did rat help the elephant? Rat ने elephant की कैसे मदद की? Rat bite the rope. Rat ने क्या किया? अपने दांतों से रस्सी को काटा तीखे दांतों से और उसके बाद elephant को free कर दिया, sharp teeth से काटा। Who thanked the rat? Rat को किसने thank बोला? एलिफेंट थैंक द रैट। पहले वाले पैसेज में हमने देखा था ना कि रैट ने एलिफेंट को थैंक यू बोला और अब एलिफेंट ने किसको थैंक यू बोला, रैट को बोला। व्हाई डिड एलिफेंट फील सॉरी, एलिफेंट ने सॉरी क्यों फील किया, क्योंकि एलिफेंट फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ रैट, क्योंकि उन्होंने रैट का पहले क्या उड़ाया था, मजाक उड़ाया था, इसलिए उनको क्या फील हुआ, सॉरी फील हुआ कि हमें किसी का भी क्या नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट है, अगली क्लास में हम इसके सारे एक्सरसाइज को करके चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक